सो हाई वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। यहाँ पर आप हम ट्रेड करेंगे लाइव, आप दोस्तों को लाइव दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ सीन कुछ ऐसा हो रही है कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की है। अब मार्केट उस लिक्विडिटी को ट्रेड के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, जिससे हम अच्छे से डाउन ट्रेड की जो है वो कन्फर्मेशन मिल जाए। जी देख सकते हैं आप दोस्तों, मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रैप की है और देख लेते हैं कि ये कैंडल किस तरफ क्लोज हो रही है। तो इस बेस पर हम फिर ट्रेड करेंगे, आप दोस्तों को हम लाइव दिखाएंगे। सो यहाँ पर जितनी लिक्विडिटी थी वो ट्रैप हो चुकी है और यहाँ पर हम डाउन के एक बेहतरीन सीट ऑफ ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस के पास है और उस रेजिस्टेंस में हमें अडर ब्लॉक मिला। उस अडर ब्लॉक में लिक्विडिटी भी ट्रैप हो गई है, तो की कंफर्मेशन के बाद हमने ये ट्रेड लिए हैं। देख लेते हैं कि मार्केट इस ट्रेड पर किसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट कर रही है, कंसोलिडेशन क्रिएट कर रही है मार्केट, जो कि लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है मार्केट। फिर मार्केट ने यहाँ पर अपने करेक्टर को चेंज किया और थोड़ा सा नीचे आया, हायर लोअर लो बना दिया, फिर लोअर हाई के लिए जानब गई थी। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी थी, तो उन यहाँ पर जो मोमेंट देखी गई हमको, ये इस लिक्विडिटी ट्रैप के लिए थी। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट विन हो चुके हैं और मार्केट जो है हमारे ट्रेड जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल वही तरह की एक्सपेक्टेशन हमारी जो है वो शो कर रही है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी छोड़ी थी, यहाँ पर मार्केट ने जो लिक्विडिटी थी उनको ट्रैप के लिए गया और हम वो ट्रेड विन कर चुके हैं। आइए एक और अच्छी से सेटअप लेते हैं डाउन ट्रेड की जानिब और देख लेते हैं कि मार्केट इसके साथ कैसे रिएक्शन कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट जो है गैप डाउन के साथ ओपन हुए है। तो जब तक ये गैप डाउन फिल नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो दैट्स क्लियर इंडिकेशन। सो देख लेते हैं कि मार्केट ये गैप कैसी तरह फिल करती है, कितने टाइम में फिल करती हैं, फिर हमें जो है डाउन ट्रेड की जो सेट ऑफ है वो मिलती हैं या नहीं। सो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम ट्रेड करेंगे लेकिन ये गैप जो है वो फिल होने के बाद, क्योंकि ये मार्केट को ये गैप फिल करना होगा। जैसे ही मार्केट इस गैप को फेल करेगी तो हम डाउन के ट्रेड की सेट ऑफ लेंगे। सो अभी तक जो है हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट कर रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो गैप डाउन के साथ ओपन हुए है। तो मार्केट को इस गैप को फेल करना होगा। यहाँ पर मार्केट जो है एक लेवल क्रिएट कर रही है, अगर मार्केट इस लेवल तक गई तो फिर मार्केट जो है डाउन की जानिब आ सकती है। सो देख लेते हैं कि मार्केट कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। हमें जो अच्छी सी इंडिकेशन मिल जाएगी तो फिर हम ट्रेड करेंगे डाउन की जानिब, लेकिन अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है डाउन की जानिब। सो ये कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो फिर हम ट्रेड करेंगे और देख लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पर जो है इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर अब जो है ऊपर जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए अब यहाँ से ऊपर जाएगी, इस गैप को फिल करेगी, फिर मार्केट जो है नीचे आएगी। सो लेट्स सी जिसी तरह के हम बोल रहे होते हैं इसी तरह के एनालिसिस करना सीख लीजिए दोस्तों। जिस तरह के अब जैसे ही आप बोलते हैं मार्केट बिल्कुल वही सीख कर रही है। जिस तरह के हमने बताया कि मार्केट जो है मार्केट इस गैप को फेल करेगी, जिसे गैप को फेल किया मार्केट जो है खासा अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर गया है। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये फेक मोमेंटम है, मार्केट इसके बाद जो है नीचे आ सकती है। सो ये ट्रेड भी हम इंशाल्लाह विन कर गए हैं, जैसे कि हमने आपको इस कैंडल पर ही बता दिया था। जिस तरह की मार्केट ने ये गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था कि मार्केट इस गैप को ज़रूर फेल करेगी, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सी इंडिकेशन मिला इस लेवल पर और मार्केट की रिएक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ तक ही, जिस यहाँ तक मार्केट गई है। तो इसी तरह अब हम एक और ट्रेड लेंगे, तो उस ट्रेड की भी हम सेट ऑफ लेते हैं। देख लेते हैं कि मार्केट इस पर कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर हम फिर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हमें ट्रेड किस जानिब ले। तो यहाँ पर हम एक बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं डाउन की जानिब और देख लेते हैं कि मार्केट उस पर भी कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है।
लेट्स सी मार्केट, अगर इस मार्केट को यहाँ तक जो लेवल गई थी, यहाँ पर मार्केट जो है वो हर टाइम जो है वो इसकी रेजिस्टेंस थी, तो जैसे उन्होंने इस रेजिस्टेंस को टच किया मार्केट डाउन की जानिब आ गई और मोमेंट आप देख सकते हैं मार्केट को। सो इसी तरह आपने टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। हमने तीन ट्रेड्स ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के तीनों विन होने जा रही है, जो तीसरा है वो भी विन होने जा रही है। सो इसी तरह की एनालिसिस के बाद इसी तरह एनालिसिस आपने करनी होती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज़ करनी होती है, कैंडल स्टिक्स को देखनी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस को देखनी होती है, तब जाके आप इसी तरह के ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने ट्रेड लेनी है, एनालिसिस करनी है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में और कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ है, तो इसी तरह के आपने एनालिसिस करनी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।